आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, चित्त वृत्ति निरोधो योग है। योग आज विश्व विख्यात है। 21 जून को प्रतिवर्ष पूरे विश्व के 210 कंट्रीज के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग भारत की कृति है। योग ने भारत में जन्म लिया और योग के माध्यम से जीवन जी करके हमारे ऋषि मुनि जो है वह साधना का जीवन जी करके मुक्ति तक जा सकते हैं। इसलिए योग मुक्ति तक जाने का साधन है। और लोअर लेवल पर देखें तो योग हमारे संपूर्ण 5 तरह के स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और हमारा इमोशनल हेल्थ, हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ और उसके साथ साथ में हमारा सोशल हेल्थ, 5 तरह की होलिस्टिक हेल्थ वह योग से प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि योग जो है वो स्वस्थ स्व में अवस्थित होना, जो योग ऐसा साधन है जिसे हमें स्व मतलब अपनी आत्मा में अवस्थित हो सकते हैं, आत्म रमण कर सकते हैं और आत्मा में वास कर सकते हैं और आत्मा से हम जुड़े रह सकते हैं, आत्म चिंतन कर सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। ये सारा योग के द्वारा होता है। और योग का एक अर्थ ये होता है कि जो हमारा जो है वो बॉडी माइंड एंड सोल, हमारा शरीर मन और आत्मा तीनों को जोड़ना योग कहलाता है। यानी ये तीनों सिंक्रोनाइज्ड रहने चाहिए, तीनों एक स्ट्रेट लाइन के अंदर रहने चाहिए, तीनों एक दूसरे के अनुगामी होना चाहिए। कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, कुछ विरोध अवस्था में जा रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। क्या अर्थ हुआ कि जब हम योग की अवस्था में होते हैं तब हमारा जो विचार है उसको हमारी बॉडी सपोर्ट करनी चाहिए और उसके साथ साथ के अंदर मन और बॉडी है, तीसरा आत्मा आत्मचिंतन में सहयोग करे, उसको सपोर्ट करे, इसी का नाम योग है। अब हमारा जो विषय है चित्त वृत्ति निरोधो योग है, यानी योग को हमारी चित्त वृत्तियां हैं उसका निरोध करने को योग कहते हैं। चित्त वृत्तियां हमारी जो है वो शांत हो जावे, चित्त वृत्तियां हमारी एक केंद्र पर स्थापित हो जावे, चित्त वृत्तियां इधर उधर बिखरे नहीं, यानी कि हम प्रतिसल्लीनता की अवस्था में चित्त को लाना वो योग है। जो इंद्रियां 5 बाहर भटकती है और भटक करके 23 तरह के विषय अलग अलग करके उसमें लुब्ध हो जाती है और इस चित्त को विक्षिप्त करती है, तो विक्षिप्त चित्त को शांत करने के लिए जो है वो योग की आवश्यकता होती है। और जब हम इन वृत्तियों को निरोध करते हैं, शांत करते हैं, नियंत्रण में लाते हैं, क्योंकि रोकना तो कठिन काम है, मन तो कभी रुकता ही नहीं है। और जब मन पूरा रुक जाएगा तो या तो अमन की स्थिति आती है जब आत्मा मोक्षगामी बनती है, या व्यक्ति की मृत्यु की अवस्था आती है, डेड बॉडी। इसलिए मन तो चंचल है, मन के लिए कहा गया है कि मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक हो मन और। यानी मन तो है, आज यहाँ बैठा है, कल अमेरिका चला जाएगा, परसों यूके चला जाएगा, फिर दुबई चला जाएगा, कभी घर में चले जाएगा। यानी प्रकाश और ध्वनि की गति से भी मन की गति बहुत फास्ट होती, इसलिए इसको रोकना नहीं चाहिए। और रोकने से ये रुकेगा भी नहीं, पर इसका निरोध करना चाहिए। निरोध करने का अर्थ यह है कि इसकी तरफ इसकी उपेक्षा की जाए, इस पर ध्यान न दिया जाए, इसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। स्वतंत्र छोड़ेगा तो ये आपके खूंटे बन जाएगा। बहुत से लोग मेरे से, सैकड़ों सैकड़ों लोग
प्रश्न करते हैं कि आप ध्यान की बात करते हैं और ध्यान में आलंबन दिया जाता किसी चीज को, और हमारे सारी विचारधारा को उस आलंबन पे केंद्रित करने का नाम ध्यान है, तो जो ही हम ध्यान करने बैठते हैं तो ही हमारा चित्त विक्षिप्त हो जाता है और ये मन भटकता रहता है। सामान्य रूप से इतना नहीं भटकता है, लेकिन जो ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें भटकाव आ जाता है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप इसको रोके मत, जब आपकी मन भटकने की इच्छा करे आप उसको खुली छूट दे दो, उसको एक पतंग की तरह छूट दे। तो जब हम पतंग के पीछे मंजा हमारे हाथ में होता है, पतंग आकाश में उड़ता है, तो पतंग को ढील देते हैं तो पतंग आगे से आगे उड़ता जाता है, और जो ही हमने उस पतंग को कसने की कोशिश की, जो ही हमने उसको पतंग को रोकने की कोशिश की, तो मंजा हमारे हाथ को काट देता है और खून आने लगता है, वो रेजिस्टेंस देता है। इसीलिए जो है वह पतंग का रेजिस्टेंस आता है, इसलिए उसको खुली छूट दो, खुली छूट दो तो अपने आप चलता रहेगा। उसी तरह से विचारों को आप रोको मत, विचारों को खुली छूट दे दो तो आप पाएंगे 2-4-5 दिन के जो है बाद के अंदर मन आपके कूटे बन जाएगा। मन आपके जो चित्त के इर्द गिर्द जो और जो ध्यान करते हैं, जो आपने आलंबन लिया है उसके केवल इर्द गिर्द ही वो घूमता रहेगा। जैसे कि गणेश जी जो है शिव जी और जो पार्वती की जो परिक्रमा करते हैं, उसी तरीके से वह आपकी परिक्रमा लग जाएगा। तो चित्त वृत्तियों का जो निरोध करना है वह योग कहलाता है। मतलब हमारी 5 इंद्रियां बाहर जा रही है और 5 इंद्रियों के 23 पावरफुल विषय होते हैं, उन विषयों को लेके आती है, उनके साथ कई बार लुप्त हो जाती है। तो लुप्त होने के कारण जब हमारा हमने इंद्रियों को जो है लुप्तता की है, तो उसके साथ साथ के अंदर हमारा मन भी लुप्त हो जाता है।